This could be us. So back to what I was saying. This could be us. हेलो ट्रेडर्स, मैं नेम इज कौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक स्टॉक। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है कि हमको पैटर्न्स कैसे पहचान सकते हैं। बहुत कोई इजी तरीका है या हम किस तरीके से पैटर्न्स, बहुत से जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं उनको पैटर्न्स ढूंढने में या पैटर्न समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम पैटर्न्स किस तरीके से पहचान सकते हैं बिना कोई इंडिकेटर के। इंडिकेटर्स भी होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है उस पर कि कौन सा इंडिकेटर, आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। वो वीडियो भी बहुत अच्छी है मेरी और अच्छी चली है वो वीडियो। और साथ में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बिना किसी इंडिकेटर की हेल्प से पैटर्न्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पैटर्न्स ऐसा नहीं है यूजफुल नहीं होते, पैटर्न्स अच्छे खासे यूजफुल होते हैं, लेकिन मैं अगर ट्रेड करना चाहूँ पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साथ मिला के ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ वो तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे नॉर्मली मैंने कोई भी चार्ट खोला है तो इसमें ऐसे करके आप सबसे पहले जूम इन कर लिया करो। जूम इन जब आप कर लोगे तो इसमें आपको ज़्यादा कैंडल्स देखने को मिलेंगी। इसमें क्या करना होता है, पैटर्न्स ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले तो सारे पैटर्न्स याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स होते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है उसमें, ऐसे करके कुछ पैटर्न बनता है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो गया हमारा, उसके बाद हो गया हमारा राइजिंग वेज, ऐसे करके राइजिंग वेज पैटर्न बनता है, उसके बाद हमारा हो गया फॉलिंग वेज, इस टाइप के हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, और उसके बाद हमारा कप एंड हैंडल हो गया, ऐसे करके कप हो गया, ये हैंडल हो गया, इस तरह का कप एंड हैंडल हमारा पैटर्न बन जाता है। उसके बाद बहुत सारे होते हैं हेड एंड शोल्डर्स होता है, ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स होते हैं और हर पैटर्न अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा पैटर्न हमको किस समय यूज करना चाहिए और कैसा कौन सा पैटर्न कब बन रहा है। तो सबसे ईजी पहचानने में जो पैटर्न होता है वो होता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, वो दो ट्रेंड लाइन से मिलके बन जाता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल दो ट्रेंड लाइन से बन के बन जाता है और उसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम HDFC बैंक को क्लोजली देखें तो इसमें हमको कौन सा पैटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए मेरे को इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं अभी थोड़ी देर पॉज करता हूं, पॉज करूं वीडियो को और पूरे चार्ट में देखो, इतने से ही चार्ट में, पूरे यही चार्ट के एरिया में आपको कौन सा पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें हमको अच्छे खासे एक पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो हमको दो पैटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। एक पैटर्न हमारा क्या है, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब कहां पर बन रहा है, अगर आप दिमाग से लगाओगे, देखिए ये तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कि पैटर्न्स हमारे कहां बन रहे हैं। अगर इस एरिया को देखोगे तो इसमें हमारा इन्वर्टेड, ये हो गया हमारा एक शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा दूसरा शोल्डर। तो ध्यान से देखो तो ये बना है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखो ये चीज़ें तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, याद करनी ही पड़ेंगी कि पैटर्न का फॉर्मेशन क्या होता है। और अगर मैं दूसरे पैटर्न की बात करूँ तो शायद मेरे को यहाँ पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। ये देखिए हल्का हल्का मेरे को इसमें इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए दो टाइप के पैटर्न मुझे अभी HDFC बैंक में देखने को मिले हैं। देखिए मैं ये नहीं बता रहा रीसेंट में अभी क्या बन रहा है, रीसेंट में अभी इस HDFC बैंक में कुछ हेड एंड शोल्डर बन रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं बन रहा। तो SBI के चार्ट में अगर हम चलें, SBI के चार्ट में हमको रीसेंट में क्या देखने को मिल रहा है, तो रीसेंट में अभी इसमें मेरे को सिमेट्रिकल ट्राइंगल, अभी इसमें सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स कम बनेंगे। कम क्यों बनेंगे, क्योंकि जो ये एरिया है ऐसा लगभग फॉल यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से सब में आया, और ये फॉल की वजह से लगभग सभी में हमको अभी ऐसा टाइप का दिखेगा, अजीब सा स्टीप फॉल दिखेगा, उसकी वजह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल किसी में अभी बनते हुए देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ज्यादातर सब में देखने को मिलेगा वो होगा इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल, ये दो पैटर्न्स हमको ज्यादा भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी हम और पैटर्न्स डिस्कस करते हैं। SBI मुझे इतना खास कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, तो ICICI बैंक में मुझे उतना कुछ खास पैटर्न कोई दिख नहीं रहा है। ऐसे मैं तो फटाफट देख लूंगा, मेरे को आदत सी हो गई ये पैटर्न ढूंढने की, तो मेरे को इसमें अभी कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें ध्यान से देखा है कोटक बैंक में शायद मुझे एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। पैटर्न कौन सा है, वो है प्राइस चैनल। प्राइस चैनल हमको देखने को मिल सकता है, ये हमारा एक प्राइस चैनल पैटर्न होता है। इसमें प्राइस ऐसे करके चैनल टाइप के फॉर्मेशन में चलता है, ये हो गया हमारा प्राइस चैनल पैटर्न। या अगर इसको थोड़ा सा ऐसे आप चेंज करते हो, ये हमारा राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज बन जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा उतना स्टीप और उतना स्ट्रॉन्ग प्राइस चैनल नहीं है, लेकिन हल्का हल्का प्राइस चैनल टाइप का फॉर्मेशन मुझे कोटक बैंक में देखने को मिल रहा है। हमारा जब बैटरीज देख लेते हैं, हमारा जब बैटरीज में कौन सा हमको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इसमें देखूँ तो मेरे को हमारा जब बैटरीज में उतना अच्छा कोई पैटर्न अभी देखने को इसमें भी नहीं मिल रहा है। इसमें पैटर्न आजकल इसलिए नहीं देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें
जो स्टीप फॉल है, जैसे देखिए यहाँ पर एक स्टीप फॉल है, उसकी वजह से पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सिमेट्रिकल ट्राइंगल कैसे बनता है ये देखिए, इस टाइप से हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बनता है। बस कोशिश करना कि आपके मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो जाए, 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद हमारी जो ट्रेंड एक्यूरेसी होती है, ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी होती है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसमें मेरे को पता है मेरे यहीं पर सिर्फ दो पॉइंट्स कनेक्ट है, अगर यहाँ पर 3 पॉइंट्स कहीं कनेक्ट होते तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता। लेकिन मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको इसमें एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिखाया है। तो कोई दूसरी स्टॉक को देख रहे हैं, वो है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में तो अभी नॉर्मली कुछ भी नहीं दिख रहा है, डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। टाटा मोटर्स को छोड़ते हैं, दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं। दूसरे स्टॉक में देखिए, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी इतना अच्छा पैटर्न हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए जो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर वाला सिचुएशन है, इसने सारे पैटर्न्स को बिगाड़ के रख दिया। इसमें कोई अच्छा पैटर्न अभी हमको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, कोई दूसरा स्टॉक हमको उसमें पैटर्न देखने मिल जाए, और उसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूं कि एक बार हम पैटर्न्स, जिसको इतने समझ में पैटर्न्स नहीं आते तो वो किस तरीके से पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसका एक बहुत सिंपल और अच्छा तरीका एक और है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, इंडिकेटर सेक्शन में अगर आप चले जाओगे तो इसमें बहुत सारे ये चार्ट पैटर्न, बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न, डबल टॉप चार्ट पैटर्न, लाइट वेव, हेड एंड शोल्डर्स, ऐसे टाइप के बहुत सारे इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। जो जो इंडिकेटर्स मैंने स्टार कर रखे हैं वो सब आप देख सकते हो। बस अब करना क्या है, बस इंडिकेटर्स अप्लाई कर देने, बुलिश फ्लैग अप्लाई कर दो, डबल टॉप अप्लाई कर दो, तो जहां जहां पर भी पैटर्न बन रहा होगा वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए बुलिश फ्लैग हमको देखने को मिला है, बुलिश फ्लैग देखने को मिला है, देखिए कितना बढ़िया पोल दिखा हमको, उसका फ्लैग टाइप दिखा है। तो ऐसे करके देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पैटर्न भी काम करता है। अगर आपको इतने अच्छे से बनाने नहीं आते पैटर्न्स, तो देखिए रिसेंट में इसमें कोई भी स्टॉक में कोई भी अच्छा पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, इसकी वजह से रिसेंट में कुछ भी बन नहीं रहा है। तो देखिए इसमें ये जो पैटर्न है आपको सारे बना देगा। यहाँ पर देखिए डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन हो रहा है, इतना अच्छा डबल टॉप मुझे ये नहीं लगा, लेकिन सही है डबल टॉप बना है यहाँ पर भी, तो डबल टॉप यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे करके ये पैटर्न्स हमारे काम करते हैं, जो भी आप पैटर्न लगाना चाहो सारे पैटर्न्स में वर्क करते हैं। तो दूसरे कोई इंडिकेटर्स आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार, मैं दूसरे इंडिकेटर्स अगर लगा के देखें, डबल टॉप को भी हटा देते हैं और कोई दूसरा इंडिकेटर लगा के देखते हैं, तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे चलते हैं। तो अभी मैंने हेड एंड शोल्डर्स और रेक्टेंगल बना के दिखा दिया, ये देखिए रेक्टेंगल पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, और दूसरे इंडिकेटर्स को बना लगा के देखा, तो इसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि हमको इंडिको छाटने में, कोई भी पैटर्न ढूंढने में। क्योंकि लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे, मैं प्रेफर करता हूँ एक अच्छी एंट्री, वो होती है खुद के पैटर्न बना के, क्योंकि बहुत सारे बार ये पैटर्न डिस्कस मतलब जो इंडिकेटर है वो पैटर्न्स नहीं ढूंढ पाता, लेकिन आप अच्छे से अपने हिसाब से पैटर्न्स ढूंढ सकते हो। और मैं प्रीफर करता हूँ पैटर्न्स के साथ ट्रेंड लाइन का मिक्सचर। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा मैं क्यों प्रीफर करता हूँ। मैंने अभी एक स्टॉक का एनालिसिस किया था, वो ही आपको मैं शो करता हूँ। चंबल फर्टिलाइजर करके स्टॉक था, उसका मैंने एनालिसिस किया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने एक कैसे एंट्री की थी। तो ये अगर इस आप स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पर इसमें आपको ध्यान से देखोगे तो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अगर मैं इसमें लोअर ट्रेंड लाइन भी ऐसे करें कनेक्ट कर दो, ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, और साथ में ये देखिए अगर आप यहाँ से हमको ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट मिलने के बाद सीधे एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा और साथ में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट होगा। दोनों ब्रेकआउट एक साथ होंगे, मेरे को ज़्यादा एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिलेगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मिलेगी। स्टॉप लॉस आप बहुत इजी रहता है, स्टॉप लॉस लगाने की टेक्निक मेरी अलग है, मैंने वो भी एक वीडियो बना रखी है कि आप बेस्ट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। जब नेक्स्ट सपोर्ट जो है उसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, बहुत अच्छी मेरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट प्लस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर एंट्री बनेगी। तो ऐसे मैंने चंबल फर्टिलाइजर में एंट्री की थी। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा मैं एंट्री कैसे करता हूँ, पैटर्न से ढूंढता हूँ। देखिए पैटर्न ढूंढना आप कहीं से सीख नहीं सकते, आपको वो सब याद करना ही पड़ेगा कि आपको कौन कौन से पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं, क्या क्या उनकी शेप होती है, कैसे वो बनते हैं, ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। या आप ऐसे और फिर जब आपको थोड़ी लर्निंग करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तो उसके बाद ऐसे बिल्कुल अचानक से दिख जाएंगे। जैसे कोई भी पैटर्न बन रहा होगा, कोई भी ट्रेंड लाइन बन रही होगी, आपको बिल्कुल नजरों के आगे आ जाएगी जैसे आप चार्ट खोलोगे। तो मैं कि बोल रहा हूँ कि आप 100 से ऊपर चार्ट्स देखो एक एक दिन के। मैंने जब मैं नया नया ट्रेडिंग सीख रहा था तो मैंने 100+ चार्ट्स एक दिन के देखता था, तब जाके मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई हैं। तो बहुत ज़्यादा चार्ट्स देखने आपको जरूरत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको चार्ट, फिर भी चार्ट को देख लो, चार्ट में प्राइस कैसे चल रहा है, देखिए प्राइस कैसे चल रहा है चार्ट में, ये सब देख लो, बहुत लर्निंग मिलेगी, आपको ये फायदेमंद ही रहेगा। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स बताना वीडियो से रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या क्वेरीज है मुझे आप पूछ सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं अपनी की आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करते रहता हूँ आफ्टर मार्केट टाइम में भी और मार्केट टाइम में भी। और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।